ये सब क्या हो रहा है? इन दोनों ने शादी कर ली? यस डैडी, बिल्कुल सही समझ रहे हो। कटो आइए। गुंडे गुड़ियों का खेल लगता है क्यों देना एक्शन? बिल्कुल सही कहा तुमने कुकू। शादी क्या तुम्हें गुंडे गुड़ियों का खेल लगता है? एकदम सही सवाल। तो ये सवाल मुझे दीदी से पूछते। दीदी याद है जिस दिन आयान ने तनु को डिवोर्स दिया था उसी दिन बल्कि उसी वक्त उसने फालतू से शादी की? सही है ना? शादी क्या गुड्डे गुड्डियों का खेल? ये सवाल तो मुझे तुम्हें पहले दीदी से पूछना चाहिए। बल्कि आप लोग सब लोग इस बात पे परेशान हो रहे हो कि बेचारा आयान और फालतू दोनों बाहर रह रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, अंदर इस घर में हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। क्यों मॉम? क्या सारे नियम सिर्फ मेरे बेटे के लिए है? हम बचपना समझ के नजरअंदाज करते आ रहे, आज इसी का फल ये है। सारी गलती मेरी, ओके? सारी गलतियां मेरी ही है, सारे कांटे मुझ में ही लगे। मैंने क्या गलत किया मॉम? आप मुझे एक बात का जवाब दो, मैंने गलत क्या किया? एक लड़की जिसकी जिंदगी के साथ आपके बेटे ने खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी सवारी ये गलत किया? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे ने जिसकी जिंदगी बर्बाद की उसकी जिंदगी मेरे बेटे ने सवारी है, आबाद की है। एक्चुअली ना तनु की शादी कभी आयान के साथ होनी नहीं चाहिए। तनु की शादी सिर्फ और सिर्फ सिट के साथ होनी चाहिए, मेरे बेटे के साथ। अगर ऐसा होता तो आज ये दिन हम लोग देखते नहीं, इतनी एंबैरेसमेंट फेस नहीं करते जो आज कर रहे हैं हम लोग। अनिशा, और उसे कहो अभी के अभी यहाँ आ जाए, हम बैठ के बातें करेंगे इसके बारे में। रियली आंटी जी, नहीं तनु की आपने पहले कब इंसल्ट किया, चौथी आप चक्राने से रोक रही। और वैसे भी जी कहने से क्या हो सकता है? अब आप लोग माने चाहे ना, तनु इस घर की बहू है और ये मेरी बहू है। और रही बात जी, वो मेरी बात पर नहीं था, खातिर ही मुझसे शादी तोड़ी थी ना। सिड ने भी अपने प्यार की खातिर मुझसे शादी, इसमें गलती क्या है हम दोनों की? तनु कट भी ओके वापस आइए।